उठे, चल चाय तैयार है। भाभी आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। वो तो तू रोज ही देखती है। चल उठ जल्दी कर, अभी बहुत से काम करने हैं। गाड़ी 1 बजे जाती है। कब आओगी भाभी? वैसे तेरे भैया ने छुट्टी तो 1 महीने के लिए रखी है, लेकिन 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। नहीं भाभी, तुम अच्छी तरह से होकर आओ, बहुत दिनों बाद जा रही हो। मेरी बहन की शादी ना होती तो ये कभी नहीं जाते। इनका तो बस वही पुराना राग है, ससुराल की कोई रहने की जगह है। और फिर तेरा भी तो ख्याल है, हम दोनों के बगैर तू अकेली कैसे रहेगी? मेरी तो आदत है अकेले रहने की। और फिर बहादुर है, मेहता आंटी भी तो हैं। संजय नहीं? हाँ संजय भी है। बस अब तो तू उससे शादी कर ही डाल, बहुत प्रेम प्रेम का नाटक हो चुका। कर लूंगी, पहले अपनी थीसिस तो पूरी कर लूं, और फिर उसके प्रमोशन का कुछ चक्कर है। तू इन चक्करों में क्यों पड़ती है? ये चक्कर तो चलते ही रहेंगे। आज मिल रही है उससे? हाँ आज इवनिंग शो में हम सिनेमा जा रहे हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है? मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है अगर आप चाहें। जी नहीं। ऐसी कौन सी देर हो गई? अभी तो पिछले हफ्ते की सीरियल डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी। पिक्चर पूरी देखने को मिलेगी। चलो आओ। क्या हुआ? नहीं लगता है टिकट कल वाली पैंट की जेब में भूल गए। बस यही बाकी था, एक दिन शायद तुम मुझे भी इसी तरह भूल जाओगे। फिर से नाराज हो गई? क्या करूं दीपा, मैं हूं ही कुछ भुलक्कड़। चलो गोली मारो फिल्म को, कॉफी हाउस चलते हैं। तुम पहले चप्पल की मरम्मत तो करवाओ। तुम फटी चप्पल फटकारते चलो, मैं तुम्हारे संग चलूं? लेकिन ये नहीं होगा, सब लोग देखेंगे हमें। चल भाई पालिश भी कर दे। तुम खामखा बिगड़ती हो दीपा। चलो कॉफी के बाद इंडिया गेट घूमेंगे, तुमसे बहुत कुछ बातें भी करनी है। क्या खाओगी? कुछ नहीं। दो कॉफी ले आओ। देखो दीपा, बात बात पर इतना ना तुनका करो। एक तुम ही तो हो जो मेरी अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ। अच्छाइयां और तुम में? ठीक है बाबा, हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन है तो तुम्हारे ही। अच्छा हमें भी गोली मारो, तुम्हारी बातें करते हैं। थीसिस कैसी लिखी जा रही है? आधा वक्त तुम्हारे इंतजार में ही निकल जाता है, पढ़ने लिखने को वक्त ही कहाँ मिलता है। अरे क्या करोगी इतनी पढ़ाई लिखाई का, अव्वल दर्जे में एमए का कम है। मैं तो सिर्फ पीए हूँ, वो भी सेकंड क्लास। कहीं तुम्हें डॉक्टरेट मिल गई तो तकलीफ हो जाएगी। कैसी तकलीफ? अरे भाई शादी तो आखिर पिताजी की मर्जी से ही करनी है। हाँ एमए लड़की तक तो लगता है कि पिताजी को पटा लूंगा, मगर तुम्हें पीएचडी मिल गई तो बस हो गई छुट्टी। इतनी बेमेल शादी को पिताजी राजी होंगे ही नहीं। लड़का भी है और लड़की पीएचडी। हमारा इसी तरह का आशीर्वाद रहा तो हो चुकी मेरी थीसिस पूरी। अरे नहीं भाई नहीं, तुम एक क्या 10 थीसिस लिखो, हमें क्या। मुझे तो सिर्फ इतना फिक्र है शादी के बाद हमारे जो 10 बच्चे हूँ उनकी परवरिश मैं नहीं करने वाला। अपने संजय में एक बात अच्छी है, जब से मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक ही लड़की से चिपका हुआ। मुझे तो बात बिल्कुल उल्टी लगती है, मुझे लगता है लड़की लड़के के पीछे पड़ी हुई है। वरना इतनी खूबसूरत तो पढ़ी लिखी लड़की अगर चाहे तो संजय से भी कहीं अच्छे लड़कों की लाइन लगवा दे। अपना संजय कुछ कम है क्या? मुझे लगता है अगला प्रमोशन इसी को मिलने वाला। हाँ वैसे तुम बात तो ठीक है। हेलो ओहो,
और सुनाओ भाई क्या हो रहा है? बस कॉफी चल रही है बंधु। अरे आज सिर्फ कॉफी पी रहे हो? हाँ तो कह रहा था ना संजय तो अफसर बन गया समझो। हेलो संजय। हाय। ओ हाय। मैं अभी आया। ओ भाई क्या हो रहा है? अरे यार आज पार्टी वार्टी हो जाए। क्यों? अरे तेरा प्रमोशन हो रहा है। वेटर एक कॉफी। अरे मिल गया प्रमोशन। क्यों? तू हमारे साले सीओ को नहीं जानता, प्रमोशन रंगनाथन को मिल रहा है। सीधी सी बात है, ये सब अपनों को ही उठाते हैं। लेकिन यार हमने सुना है अपना डिप्टी डायरेक्टर तुम्हारी तरफ का है और तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी है। तू हमारे जात वालों को नहीं जानता, मर जाएंगे लेकिन अपने आदमी की मदद कभी नहीं करेंगे। हाँ यार ये तो अभी यही हाल है। और ये भी कोई बात हुई, हमारे सारे स्टाफ का डीए बढ़ गया लेकिन हमारा नहीं, क्योंकि हम सुपरवाइजर स्टाफ हैं। जैसे हमें रुपयों की जरूरत ही नहीं। अरे मैंने अपनी यूनियन की मीटिंग में साफ कह दिया नो डीए नो वर्क। अरे यार मुझे तो लगता है अपनी यूनियन बिल्कुल बेकार। सही बात है। बेटा यार मुझे लगता है हमारी यूनियन मैनेजमेंट से मिली हुई, देखते नहीं हाउस रैन के बने बनाए केस को बिगाड़ दिया। यार इस बार इलेक्शन में कुछ जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। कल हमारा साला सेक्रेटरी सबो के सामने चीफ ऑफिसर से हंस हंस के बातें कर रहा था। मैं यूनियन की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलवाता हूँ, हाउस रेंट और डीए के मामले को फिर से उठाते हैं। समझ क्या रखा है? और इस सीओ के खिलाफ दो चार पोस्टर्स और इश्तेहार भी दीवालों पे लगवाने हैं। संजय लगता है तेरी गर्लफ्रेंड इधर ही आ रही। तुम सब तो दीपा को जानते ही हो। दीपा ये मेरे ऑफिस के कलीग। सूरी लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच में पड़े हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी और दीपा की शादी होने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे अरे शादी की धमकी तुम साल भर से दे रहे हो। अरे भाई इस मामले में तो मैं शौ का फॉलोअर हूँ। शौ का कहना है कि औरतों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें और मर्दों को चाहिए जितनी देर से कर सके करें। मैं तो बस इस प्रमोशन के इंतजार में हूँ, आज प्रमोशन मिल जाए तो कल शादी कर लूँ। अच्छा भाई चलते हैं, कल मिलेंगे ऑफिस में। बाय। आओ दीपक। और हाँ कल मैं ऑफिस में मेमोरेंडम तैयार कर दूंगा, हमें ये फाइट जारी रखनी पड़ेगी। ओके। अभी कभी तो ऐसा गुस्सा आता है दीपा कि क्या बताऊं, फिर सोचता हूं क्या होगा गुस्सा करके भी, साली नौकरी ही बेकार है। इस बार मैंने भी पक्का कर लिया, इस्तीफा दे ही दूंगा। कल कहां मिलेंगे हम लोग? रो धोकर एक मौका आया था प्रमोशन का तो ये साला रंगनाथन नाटक का बीच में। कल मिल कहां रहे हैं? कहीं भी, सब जानते हैं रंगनाथन मुझसे 2 साल जूनियर है, मगर रंगनाथन भी क्या करे, हमारा चीफ ही साला कम्युनल है। लेकिन किस जगह मिलेंगे, कोई जगह भी तो हो। कॉफी हाउस ही सही, लेकिन इस बार मैंने भी ठान ली है, इस बार या उस बार। समझ क्या रखा है? चीफ होगा तो अपने घर का, दफ्तर के कुछ कानून कायदे भी तो होते हैं। कॉफी हाउस नहीं और भाड़ में जाए तुम्हारा चीफ। सो सॉरी दीपा। आओ। क्या करूं, कभी कभी अपने ही ख्यालों में बह जाता हूं। असल में किसी भी तरह का अन्याय बेइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ मुझे घंटों अकेला कॉफी हाउस में छोड़कर दोस्तों में मस्त हो जाते हो और इधर कहते हो मैं अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा भाई हमारे बस। बताओ क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी रंगनाथन का प्रमोशन कब होगा। रंगनाथन का प्रमोट? मजाक छोड़ो दीपा। क्या करें हमें और कोई मिला ही नहीं मजाक करने को। अच्छा मैं बस यहीं से ले लूंगी। अच्छा कल कहाँ मिलोगी? अरे अरे यही तो पूछ रही थी तुम। चलो कुछ याद तो आया। चलो यहीं पर मिलते हैं, इसी बस स्टॉप पर, फिर इंडिया गेट घूमेंगे। मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारे घर? नहीं नहीं तुम्हारी भाभी बहुत तंग करती है। भैया और भाभी आज ही पटना गए हैं, भाभी की बहन की शादी जो है। मतलब तुम अकेली हो घर पर? अकेली क्यों, बहादुर है और फिर नीचे वाले फ्लैट में मेहता आंटी भी तो है, दिन भर चैन ही नहीं लेने देती। चलो तुम्हारे घर ही जाते हैं। कितने बजे? कितने बजे? 5 बजे ऑफिस से छुट्टी।
फिर बस में नहीं स्कूटर स्कूटर 5:30 बजे तक आ जाऊंगा। पक्का? अरे 10 मिनट इधर या उधर। नहीं नहीं 5:30 बजे तक आ जाना और फिर एक खट्टी चाय पियेंगे, तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। क्या? बात क्या है बताओ ना। कल बताऊंगी। हाँ कल 5:30 बजे। बाय। आपने कहा था 6 बजे चाय चाहिए। ठीक है अभी नहीं, बाद में बुलाऊंगी तुझे। जी साफी 5:30 नहीं बजे। आंटी कहानी सुनाओगी? अभी नहीं, बाद में आना। मम्मी ने भेजा है, कहा है आंटी कहानी सुनाएगी। अभी मुझे काम है, चल जा घर जा, मम्मी से कह दे। क्या करना है नाराज होकर? देखो सिर्फ 5:30 बजे हैं। तुम ही बताओ क्या करता। ऑफिस के बाद दोस्तों में फंस गया, शायद स्ट्राइक करना पड़े। बहुत कोशिश की उठकर आने की, लेकिन सबको नाराज करके आना भी तो अच्छा नहीं लगता। बहादुर चाय लेकर आओ। ठीक है हो जाओ नाराज, मैं तो हूं ही खराब। अब उठकर ऊपर बैठो, बहादुर चाय लेकर आता ही होगा। हमेशा देर से आने की कसम खा रखी है क्या?
दीपा, हमारे यहाँ शक्कर खत्म हो गई है। हाँ हाँ बहादुर, एक कटोरी में शक्कर तो ले आना। आप बैठिए ना, हमारे संग चाय पीजिए आज। नहीं नहीं, बंटी के डैडी अभी आते ही होंगे ऑफिस से, और फिर मैं इतवार तक लुटा दूंगी। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मिसेस मेहता को फौरन हमारी याद आ जाती है। ठीक ही तो है, तुम क्या चाहोगी हमेशा यहीं बैठे रहे? ना बाबा ना, मैं तो फिर घर पर ही ना रहूं। एक और खासियत है मिसेस मेहता की। क्या? जब देखा बंटी की घर पर जरूरत नहीं है तो उसे फौरन मेरे यहाँ भेज देती है। बुराई तो कर रही हो, मान लो तुम्हारी चाय की दावत मान लेती और यहीं पे जम जाती फिर। ओ नो। अच्छा तुम्हारे भैया कब लौट रहे हैं? मालूम नहीं, 10-15 दिन तो लग भी सकते हैं। हाँ, अगर पटना से लखनऊ गए तो शायद देर भी हो सकती है। तब तो उन्हें लखनऊ जाना ही चाहिए। मैं कुछ दिन और जरा बेफिक्री से आ सकूं यहाँ। तुम्हें यहाँ आने से रोकता कौन है? नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन उनके और भाभी के यहाँ रहते ये बेफिक्री कहाँ? आओ। हाँ चलो छत पर चलते हैं। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? मुझे? मुझे क्या पूछना है? मैं क्यों बताऊं? क्या पूछना है? हाँ वही, हम दोनों शादी कब करेंगे वाली बात ना। वो तो मुझे मालूम है, तुम कभी नहीं पूछने वाले। अरे वो सब तो वक्त आने पर हो जाएगा। बताओ ना क्या बात है? कल रात तुमसे नहीं कहा था, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ओ यस, हाँ हाँ हाँ, बताओ कौन सी बात? वो तो तुम्हें मुझसे आते ही पूछना चाहिए था। वो जरूरी बात क्या है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? ओके बाबा, हम ही पूछ लेते हैं। बताओ कौन सी आप बता गई? अब पूछ तो रहे हैं, बताती क्यों नहीं? तुम्हें तो कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे है क्यों नहीं, बताओ। मुझे कॉलेज में शायद लेक्चरर की नौकरी मिल रही है। ओ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्या? किस कॉलेज में? वाड़िया कॉलेज। ऐसा कोई कॉलेज दिल्ली में नहीं है। मुझे मालूम है, ये कॉलेज बंबई में है। क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, ये नौकरी बंबई की है। नहीं, तुम मुझे बना रही हो। मैं अभी बताती हूँ चिट्ठी। दैट्स वेरी गुड, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। ये इरा कौन है? मेरी एक सहेली है, इंटर तक हम दोनों साथ में पढ़ते थे। एग्जाम्स के बाद उसकी शादी हो गई, अब वो बंबई में है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि इंटरव्यू का कॉल जल्दी आएगा, नौकरी कहाँ मिली है? तुम इरा को नहीं जानते, बड़ी तेज है, बस इंटरव्यू हो जाने दो फिर देखना। अगर सचमुच ये नौकरी मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा दीपा, फिर प्रमोशन जाए भाड़ में। मैं भी अपना तबादला बंबई करवा लेता हूँ हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किटकिट से तो मैं भी तंग आ गया। कितनी बार सोचा कि कहीं तबादला करवा लो, पिछले बार बम्बे ट्रांसफर का ऑफर भी तो आया था, लेकिन लेकिन मैं अकेला बम्बई में और तुम यहाँ, मेरी शामें कैसे कटेंगी? इस बार प्रॉमिस, अगर दोनों बंबई चले गए ना तो शादी कर ही लेंगे। अच्छा, शादी दिल्ली में करें या बंबई में? पहले नौकरी तो मिल जाने दो। नहीं, शादी दिल्ली में ही करेंगे, बंबई में कौन आएगा? और ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे शादी में, रुपयों की जरूरत पड़ेगी ना, बंबई सुना काफी महंगा है। वैसे तुम अपने रुपए अलग ही रखना, घर मैं अपने रुपयों से ही चलाऊंगा, क्यों ठीक है ना? तुम्हारे बस सीईओ का क्या हाल है? हा? और जो बस स्ट्राइक होने वाली थी ऑफिस में। मुझे तो सचमुच बहुत डर लग रहा है, मालूम नहीं क्या क्या पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में नर्वस हो गई तो? अरे तुम भी एक बुद्धू हो, यहाँ दिल्ली जैसी जगह में अकेली घूमती फिरती हो, रिसर्च कर रही हो, और आजकल तो अकेली रह भी रही हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्या मालूम,
ये तो मेरा पहला मौका है। क्या पूछते इंटरव्यू में? पूछते हैं अकल बड़ी की भैंस। अरे ये इंटरव्यू सब दिखावा भर है। अब मेरे ऑफिस में ही देखो ना, यहाँ मेरा इंटरव्यू इतना फर्स्ट क्लास हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रमोशन साले रंगनाथन को ही मिलने वाला है। कुछ नहीं, बंबई में पहुंचकर किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना, बस सब काम हो जाएगा। बंबई तो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है, और एक हीरा के सिवा किसी को जानती भी नहीं। तुम्हारी कोई जान पहचान है? अरे हमारे ऑफिस वाले सब बेकार हैं, सब साले अपनी अपनी गाते फिरते हैं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि हीरा बड़ी तेज है, सब काम कर देगी। तेज तो है लेकिन। अच्छा सचमुच क्या हीरा के अलावा और किसी को नहीं जानती बंबई में? नवीन भी तो है वहाँ। होगा, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो संजय, मैंने तुमसे हजार बार कह दिया है, उसे लेके मुझे मत छेड़ा करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे तुम तो मजाक भी नहीं समझती, फौरन सीरियस हो जाती हो। ये क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यहाँ कौन है जो देख लेगा? और देख लेगा तो देखने दो, आप ही कूड़ेगा। नहीं, मुझे बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे जाना चाहिए दीपा। रुको ना थोड़ी देर और। नहीं दीपा, काफी देर हो चुकी है, बाद में चले जाना। कल शाम को आ जाऊंगा यही। आ जाना 6 बजे तक, तुम नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है मुझे। पगली, अभी गुस्सा अभी प्यार। अच्छा मैं चलता हूँ। कहानी सुनोगे? तोते और बंदर की। अच्छा जरूर सुनाऊंगी। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूं ही जीवन में आयु
बस रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके, बरसों उनके आंगन में रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। In the event of further delay in implementing the sanctioned project, it is regretted that it will not be possible to grant any further extension to the utilization of the grant, and the amount sanctioned will be reverted. The amount sanctioned will automatically lapse void rule. Please quote the rule of the agreement. Which please note yours etc etc. Hello, एक मिनट बैठिए और एक चिट्ठी। हेलो हेलो दीपा। हाँ हाँ सुनो वो इंटरव्यू का कॉल आ गया है। हाँ 30 अक्टूबर। हाँ मुझे कम से कम 2 या 3 दिन पहले ही बम्बई पहुँच जाना चाहिए। पहली बार जा रही हूँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं चलो ना, बम्बई बिल्कुल नई जगह है और तुमसे बहुत कुछ सहारा मिलेगा। संजय सुनो ना। नहीं आज नहीं प्लीज दीपा। चिट्ठी बाद में लिखवाना, तुम अभी आ जाओ। क्या काम है, स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते? अच्छा आ जाना 6 बजे तक। ओके बाय। चलो ना मेरे संग बम्बई, मुझे अकेले डर लगता है। नहीं दीपा, इस वक्त तो छुट्टी मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। 2-4 दिन की तो बात है। ये 2-4 दिन ही तो बहुत जरूरी हैं दीपा, क्या से क्या हो जाए। 4 प्रमोशंस होने वाले हैं, अगर यहाँ नहीं रहूंगा तो जरूर पीछे रह जाऊंगा। फिर यूनियन की एक मीटिंग भी है और जो नई मांगे पेश की है ना हमने वो। मैं जाने को कह रही हूँ ना, इसलिए दुनिया भर का काम तुम्हारे सर पर आ पड़ा। ये बात नहीं है दीपा, तुम तो बहादुर लड़की हो, अपने आप को संभाल लोगी। पता नहीं संजय, एक तो नया शहर और फिर ये इंटरव्यू, मुझे तो डर लगता है। अरे डर काहे का, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसे डरावने सपने देखती हूँ। क्या देखती हो? मैं बिल्कुल अकेले किसी ट्रेन में सफर कर रही हूँ, या ट्रेन पकड़ने की कोशिश में भाग रही हूँ, ट्रेन पकड़ नहीं पाती, या किसी टैक्सी में सफर कर रही हूँ और टैक्सी का दरवाजा एकदम से खुल जाता है और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ती हूँ। ये तो मैं अक्सर देखती हूँ। अरे ये सपना तो कुछ भी नहीं है। मेरा सपना सुनोगी तो कहोगी काश ये सपना मैंने भी देखा होता। अक्सर सपने में देखा करता हूँ कि मैं बिल्कुल नंगा ऑफिस में पहुंच गया हूँ, सीईओ के सामने, या तो लिफ्ट में घुस रहा हूँ या फिर कैनॉट प्लेस में बिल्कुल नंगा बस पकड़ने के लिए भाग रहा हूँ। हाँ सच। बंबई पहुंचते ही एक चिट्ठी दे देना। चलो ना मेरे साथ संजय, क्या करूंगी अकेले अकेले वहां। कितने दिन रहोगी बंबई? शायद 4 या 5 दिन लग जाएंगे, मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे भी क्या अच्छा लगेगा यहाँ, जल्दी वापस आ जाना। तुम्हें अगर बंबई नौकरी मिल गई ना तो मैं भी आ जाऊंगा, हम दोनों वहां रहेंगे। जल्दी वापस आ जाना, अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही एक चिट्ठी दे देना।
किसका टेलीग्राम है? कल दीपा आ रही है। कौन दीपा? मेरी क्लास फेलो थी, हमारे मैरिज पे भी तो आई थी। तुम चले जाओ ना उसे रिसीव करने, कल सुबह फ्रंटियर से आ रही है। मैं तो आज शाम ही कलकत्ते जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम ही चले जाओ ना, आखिर तुम्हारी ही तो दोस्त है। चली तो जाती पर कल सुबह बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। ले चलो। दीपा, हाय दीपा, बहुत दिनों बाद मिले हैं, 5 साल। तुमने तो शायद सोचा भी नहीं होगा मुझसे यहां मुलाकात हो जाएगी। इरा नहीं मुझे यहां भेजा है, तो रिसीव यू। चलो चलते। 5 साल कितना बदल गया है नवीन, और ये हिप्पी जैसे बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। दीपा आ रही है। नवीन, अगर दीपा क्लास में चली गई तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। आज स्ट्राइक है, मत जाने दो अंदर। दीपा, मैंने तुम्हें कॉलेज जाने को मना किया था, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा। मैंने भी तुमसे कह दिया है मुझे तुम्हारे स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। दीपा, ये हमारे एकता और संगठन का सवाल है। आज साइंस में स्टाफ नहीं, हो सकता है कल आर्ट्स में ना हो। बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी क्लास में नहीं जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। हमें जाने दो नवीन, इस बारे में शाम को बात करेंगे। दीपा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं फिर सोच लो। दीपा, कुछ नहीं सोचना मुझे। दीपा, अगर आज क्लास ज्वाइन किया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो दीपा, घर चलते हैं। नहीं, मैं कॉलेज से बाहर नहीं जाऊंगी, और मुझ पर इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ओके, जाओ जहन्नुम में। आइंदा फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझती क्या अपने आप को? ऐसा अपमान, इतनी कठोर सजा, ऐसा क्या किया था मैंने? कितनी रोई थी उस दिन मैं। Thank you.
आओ दीपा। अंदर चलो, यही हीरा का मकान है, मैं सामान लेकर आता हूं। हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गाड़ी राइट टाइम पर थी, हम लोग अभी भी आए हैं यहाँ। हाँ लो बात कर, इरा का फोन। हेलो। हेलो दीपा, कितने दिनों बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ, कैसे है तू? अच्छी हूँ। घर तो आसानी से मिल गया ना? हाँ, मैंने नवीन को वहाँ भेजा था। कहाँ है तू इरा? नौकरी है दीपा, छुट्टी नहीं ले पाई, और इनका भी काम कुछ ऐसा ही है, कल ही कलकत्ता चले गए। यहाँ तो नौकरों की भी अजीब मुसीबत है, दो दिन हुए हमारा नौकर ही भाग गया। हाँ अजीब मुसीबत है, क्या बताऊँ, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। और दीपा सब काम तुझे अपने आप ही करना पड़ेगा, वैसे मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, यहाँ तो दम भरने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और क्या, इसीलिए तो नवीन को भेजा तुझे लेने के लिए, एटलीस्ट नवीन तुझे जानता तो है। नवीन याद है ना तुझे? ए बता तो सही, क्या कर रहे हो दोनों मिलके? प्लीज इरा। और देख फ्रिज में खाना पड़ा है, गर्म करके खा लेना, और बाथरूम में देखना पानी है या नहीं, बंबई में तो बरसात के सिवा कभी पानी पूरा मिलता ही नहीं। हाँ तू मेरी फिक्र ना कर, बस जल्दी से आ जा, बहुत सी बातें करनी है तुझसे, बरसों से देखा भी तो नहीं है तुझे। हाँ आ जाऊंगी जल्दी। अच्छा टेलीफोन रख रही हूँ, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। लो दीपा कॉफी पियो, काफी थक गई होगी। ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती। अरे दीपा पिछले एक साल से अपने अकेले फ्लैट में रहते रहते बस एक कॉफी बनाना ही तो सीख पाया हूँ। देखो पीकर, अभी तक नवीन ने शादी क्यों नहीं की, क्या वो मुझसे कुछ करे ना करे, मुझे क्या? इरा कह रही थी तुम यहाँ किसी कॉलेज में लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए आई हो। हाँ तुम क्या कर रहे हो बम्बई में? मैं एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाता हूँ, ये सब जो होता है ना वो जो मेन फिल्म से पहले दिखाते हैं, एस्प्रो सेरेडॉन कॉलगेट वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ फिल्में मैंने बनाई हैं, एक एक मिनट की। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात प्रमोद से हो गई थी, प्रमोद अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, ये तो बाद में जाकर पता चला कि वो अपनी हीरा का हस्बैंड है, बस फिर दोस्ती और भी ज्यादा हो गई। अच्छा दीपा अब मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, शाम को 6 बजे आऊंगा। ओके बाय। हेलो माफ करना, मैं अपने गॉगल्स किचन में भूल गया था। दीपा तुम बंबई में नई हो इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई बेल बजाए तो मैजिक आई से पहले देख लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो वो चेन देखती हो ना, वो चेन अच्छी तरह लगा के तब दरवाजा खोलना, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट अ प्रिकॉशन। बाय। परसों लौटा दूंगी। अच्छा Thank you.
प्रिय संजय, मैं यहाँ आज सुबह आ पहुँची हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मुझे स्टेशन पर रिसीव करने नवीन। तू है? हाय दीपा। अरे कितनी मोटी हो गई है तू। मालूम है यार, दुनिया भर की एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन कम्बक मोटापा जाता ही नहीं। कहते हैं खाना छोड़ दो, ये भी कोई बात है? लेकिन दीपा, बहुत दिनों बाद तुझे देख रही, तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। लो शर्मा गई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती। तू बैठ यहाँ, चाय बाद में पियेंगे, पहले कुछ बातें करते हैं। अच्छा बाबा, बातें करते हैं। अच्छा ये बता, तेरा सफर कैसा रहा? मेरा मतलब है स्टेशन से यहाँ तक का। तुझे नवीन को नहीं भेजना था स्टेशन, कितना बुरा लग रहा था मुझे। तू क्या अभी तक पुराने गाँव सेख रही है? एक जमाना था, पागल सी थी उसके प्यार में। था एक पागलपन, लेकिन पिछला मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब नवीन से मेरा कोई संबंध नहीं है। यार तू तो बिल्कुल वैसे की वैसे रही, 5-6 साल पुरानी बातों को लेकर आज तक घुट रही है तू। 17 साल की उम्र में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? मेरा बचपना। तू तो बड़ी किस्मत वाली है दीपा, 17 साल की उम्र में कुछ किया तू। यहाँ तो आज तक किसी के प्यार में नहीं पड़ी, बस शादी की है। तेरी शादी के तो 4 साल हो गए, बच्चे बच्चे नहीं हुए कोई? यार हम दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को कौन संभालेगा। प्रमोद स्टेज जाने के चक्कर में अगर मौका लग गया तो हम दोनों चले जाएंगे, बच्चों से झमेले और बढ़ जाते हैं। कब आएंगे तेरे प्रमोद? हफ्ता भर लग जाएगा, तब तक तू यहाँ रह क्यों नहीं जाती? क्या पता हीरा, मुझे तो इस इंटरव्यू से बहुत डर लग रहा है। अगर तेरे प्रमोद होते तो कोई सिफारिश वगैरह कर देते। अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल निकम्मे आदमियों में से है। मैं नवीन से कहती हूँ, अभी आता ही होगा, उसकी यहाँ बहुत जान पहचान है। अगर प्रमोद को भी कोई काम पड़ता है तो नवीन का सहारा लेता है। नहीं हीरा, नवीन को मेरे मामले में न ला, मैं नहीं चाहती नवीन मेरे लिए कुछ। फिर वही बात, जो हो गया सो हो गया। किसी जमाने में एक दूसरे से प्यार भी तो करते थे, हो सकता है फिर से मिल हो जाए। वैसे नवीन लड़का लाखों में एक है। ये सब कुछ नहीं रहा, तुझे नहीं पता मेरी शादी पक्की हो चुकी है। सच? किससे? है एक, लेकिन है कौन? देख तो सही, बताया भी नहीं। कहाँ मिला तुझे? 6 बज गए, शायद नवीन ही आया होगा। हाय नवीन, आओ भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा? लो, मैंने कहा था नवीन आया होगा, आ गया। आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खैरियत तो है? हाँ बिल्कुल, चाय पियोगे ना? श्योर। हाँ फिर दीपा, कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी उससे? अरे भाई किससे मुलाकात की बातें हो रही? किससे नहीं, मैं भी आई रहा। जरा अपना तौलिया तो देना। क्यों नहीं बता देती कि मैं संजय से शादी करने वाली हूँ? झिझक काहे की? अब बता नवीन को, कहाँ है तेरा इंटरव्यू? वाड़िया कॉलेज में। अरे यार वाड़िया कॉलेज तो समझे, लेकिन कब, किस वक्त? 20 अक्टूबर 10 बजे। लो वाड़िया कॉलेज, फिर तो काम हो जाना चाहिए। वैसे किस सब्जेक्ट में एमए किया है तुमने? साइकोलॉजी। क्यों? नहीं मेरा मतलब ये था कि लेक्चरशिप किस सब्जेक्ट के लिए मांगी। देखो नवीन, दीपा को नौकरी चाहिए कॉलेज में, चाहे साइकोलॉजी में हो चाहे हिस्ट्री में, और ये सब करवाना तुम्हारा काम है। आई बात समझ में? भाई एक बार प्रोफेसर देवधर से मुलाकात हुई तो है, देखता हूं एक मिनट। अब बता कौन है वो? कौन? वही यार जिससे तेरी शादी होने वाली है। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। क्यों क्यों क्यों?
नवीन से छुपाना चाहती हूँ क्या? नवीन से क्यों छुपाने लगी मैं? भाई एक काम था तुमसे। भाई तुम तो प्रोफेसर देवधर को जानते हो? हाँ वही। भाई मेरी एक क्लोज फ्रेंड आई हुई है दिल्ली से इंटरव्यू के लिए। हाँ लेक्चरशिप 20 अक्टूबर को है इंटरव्यू। यार जरा पता कर लेना कौन कौन है इंटरव्यू बोर्ड में। दैट्स गुड, मैं फिर फोन करूंगा। ओके बाय। हेलो कुड आई टॉक टू मिस्टर देशमुख प्लीज? ओ हेलो मिस्टर देशमुख, स्टोरी बोर्ड मिला? ठीक है ना, आप अप्रूव तो करवाइए। शूटिंग में कितना टाइम लगता है भला? एक जरूरी काम था मुझे आपसे। मेरी एक क्लोज फ्रेंड आई है दिल्ली से इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ आजा दीपा, आज हम दोनों यही साथ सो जाते। अपने पति की जगह दे रही है क्या मुझे? आज तू ही सही, थोड़ा स्वाद तो बदल जाएगा। अक्सर स्वाद तो नहीं बदला करती है तू। अरे यार हम इतने भाग्यवान कहाँ। याद है दीपा कॉलेज में लड़के कैसे हमें घूरा करते थे और तू और मैं नाक की सीध में चले जाते थे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन कितना मजा आता था। अरे रे रे। अरे भाई अपनी तो ऐसे ही सोने की आदत है। अब बता कौन है तेरा वो नवीन टवीन? यहाँ कोई नहीं, आराम से बता। हमारे इंटर के बाद तू तो लखनऊ चली गई थी, मैं आ गई दिल्ली अपने भैया के पास। यही मैंने बीए ज्वाइन कर लिया था। संजय मेरी ही क्लास में पढ़ता था, संजय नाम है उसका। पहले एक दो साल तो हम एक दूसरे को यूं ही जानते थे जैसे कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियां एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं लड़कों से वैसे भी कुछ दूर ही रहती थी, नवीन का घाव तब भी ताजा था। फिर क्या हुआ? तब हमारे बीए फाइनल के एग्जाम्स हो रहे थे, सिर्फ दो पेपर बाकी थे। एग्जामिनेशन हॉल हमारे घर के बिल्कुल ही नजदीक था, इसलिए मैं पैदल चली जाती थी। दिल्ली तो तुझे मालूम ही है कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ। उस दिन रात जोर की आंधी भी आई थी और सुबह फिर बारिश। मैं वैसे भी कुछ लेट हो गई थी, बारिश से बचने के लिए एक मकान की आड़ में खड़ी थी। मुझे देर हो रही थी, 10 बजे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचना जरूरी था। अरे आ जाइए ना आप, इम्तिहान नहीं देना है क्या? आ जाइए साथ चलते हैं, टाइम हो गया है। आप जरा नजदीक आ जाइए ना। नहीं मैं काट नहीं खाऊंगा। Plotting, please. कहिए पेपर कैसा रहा? ठीक ही रहा, आपका? अरे हमें कौन सी फर्स्ट क्लास लानी है, बस पास मार्क्स मिल जाए और क्या चाहिए। कल आखिरी पेपर है, कल फिर मिलते हैं सुबह उसी बिल्डिंग के पास। हाँ कल फिर से बारिश होने वाली है। कल मैं अपना छाता ले आऊंगी। चलो फिर मैं अपना नहीं लाता। आपका रोल नंबर क्या है? 16009। मेरा नंबर है 15979। जरा नोट कर लीजिए, टेढ़ा नंबर है। चलो फिर कल मिलते हैं। अच्छा क्यों भाई? क्यों भाई लाइन मार रहा था। चुप। उस दिन हम सिनेमा देख रहे थे, भैया भाभी और मैं रिवोली में। हम सिनेमा देखने में तल्लीन थे।
बादशाह बहुत ताकत दिखा रहे थे। फिल्म शुरू हो गई। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं, इंटरवल होने वाला है। जान न मैं पहुंचे देता, समझे? हेलो दीपा। अरे आ भैया, संजय, हम दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में बीए किया था। अच्छा, मेरे भाभी और भैया। मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ मिस किया ना। हाँ, बहुत देर से आए हैं आप। हाँ। क्या कौन उससे मिला था? हमने तो पुलिस ने उसकी तलाशी ली थी, मगर वो साफ साफ बच गया। चेक इज अ वेरी ब्रेव मैन और चलाक भी है। हम उसकी सारी चालाकी निकाल देंगे। आखिर पकड़े गए ना? हाँ? तुम क्या समझते हो तुम्हारे किराए के टट्टू मुझे पकड़ कर? लीजिए ना, मूंगफली लीजिए। मैं तो यहाँ खुद चलाया, ये देखने के लिए क्या चीज है यार। Hey, मिस्टर, ये क्या लड़की का लवर है? नहीं भाई, डायलॉग तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसी से उसकी शादी होने वाली है। आप कृपया चुपचाप बैठेंगे। लो गाना शुरू हो गया, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। कौन है ये? तब से बड़बड़ कर रहा है एक मुसीबत। भाभी मेरी जगह पर बैठो ना, नहीं तो फिर से कान खाएगा। नजर बिजली सुराही धार कर धन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली नजर बिजली सुराही धार कर धन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। ये जुल्फों की हटा काली मचलता जैसे सावन, कयामत से मेरी जान कम नहीं हो। कमर पतली मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता। इन लोगों के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मैंने भी अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन मुझे तुम्हारी जान की परवाह है रॉबी। अगर तुम चेक की बात मान लो तो फिर हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। बोलो चॉकलेट। फिर हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा ना? कोई नहीं, प्रॉमिस। चलो लो, अभी गा रहा था अभी रो रहा है। कहिए बंदा आपके लिए क्या खिदमत कर सकता? पहला काम तो ये है, एक आदमी को जहन्नम भेजना है। क्या आप कहाँ रहते हैं? निजामुद्दीन ईस्ट। टैक्सी वाले में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टैक्सी। कोई और बैठ गया। अरे अभी मिल जाएगी, रिजल्ट परसों आउट हो रहा है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर काहे का, आपका नंबर 15009 है ना? 16009। सॉरी, मेरा नंबर 15979 है। दीपा, मेरा ख्याल है टैक्सी स्टैंड तक पैदल ही चलते हैं। चलो। भैया वो संजय भी पास हो गया है सेकंड डिवीजन में। कौन संजय? वो जो लड़का परसों मिला था रिवोली थिएटर में। अरे वो बातूनी पास हो गया। फिर तीन चार दिन बाद संजय हमारे ही बस स्टॉप पर मिला। अरे दीपा तुम यहाँ? हाँ बताया था तुमने, यहीं रहती हो निजामुद्दीन। यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ ऐसे ही दोस्त से मिलने आया था। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो वहाँ पहले मंजिले पर। हाँ अच्छा, लो आ गई बस। भाई फर्स्ट डिवीजन में पास होने की बधाई, हम तो फेल हो गए। सेकंड डिवीजन में पास किया है आपने, जैसे मुझे मालूम ही नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? आप ही ने तो रोल नंबर बताया था। मतलब तुमने मेरा रोल नंबर याद रखा था? आप एमएमए क्या ले रहे हैं? अरे नहीं भाई, अब तो कॉलेज को छुट्टी, ग्रेजुएट हो गए और क्या चाहिए। मैंने बीए पास कर लिया है, कोई साला यकीन ही नहीं करता, सब कहते हैं जरूर कॉपी की होगी। तुम तो एमए ज्वाइन कर रही होगी ना? हाँ, साइकोलॉजी में। हाँ भाई, तुम लड़कियों का क्या है, पता नहीं कैसे फर्स्ट क्लास ले लेती हो, उसके बाद एमए पीएचडी एलएसडी। टिकट दो, कैनॉट प्ले। यहाँ भी फर्स्ट।
अक्सर संजय हमारे बस स्टॉप पर मिल जाया करता था। कहता उसका कोई दोस्त रहता है वहाँ। बाद में पता चला वो बस स्टॉप पर सिर्फ मुझसे मिलने आता था। दोस्त का तो सिर्फ एक बहाना था। इस तरह हमारी जान पहचान बढ़ती गई। उसका खुला व्यवहार, हंसमुख चेहरा मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उसकी तरफ खींचने लगी। कभी ना मिलता तो बड़ा सुना सुना सा लगता। फिर मेरे प्यार का, मेरी भावनाओं का, मेरे भविष्य की सारी योजनाओं का केंद्र संजय बन गया। सिर्फ मुझे ही नहीं, भाभी को भी बहुत पसंद है। फिर एक दिन संजय ही कर सकता है ऐसी हरकतें। अच्छा यही सही भाभी, तुम जीती मैं हारा। मैं दीपा से शादी करूंगा बस। मुझसे क्या कह रहे हो, दीपा से कहो ना। प्रपोज कैसे करते हैं नहीं मालूम? जरूर मालूम है। मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि मैं दीपा से। ये क्या हाथ क्यों ऊंचा कर रखा है, भगवान है या हिटलर? ऐसे कहो। अच्छा यही सही। मैं भगवान को हाजिर नाजिर मैं भगवान और भाभी को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि मैं मिस दीपा कपूर एमए से शादी करूंगा। कोई और लड़की नहीं मिली तो? उसे नवीन के बारे में पता है? हाँ मैंने ही बताया है उसे। कभी कभी लगता है नवीन की बातों को लेकर उदास होता है लेकिन खिलखिलाकर बातों को उड़ाकर मुझे ही चिढ़ाने लगता है। चलो अब सो जाते हैं। मैं भी किसी बारिश के दिन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ कोई कमबख्त संजय की तरफ फटी छतरी लेकर आता है या नहीं। तू क्यों करने लगी किसी का इंतजार, तेरी तो शादी हो चुकी है। शादी हुई है, प्यार थोड़ी हुआ है। नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है दीपा। यहाँ तो 150 की नौकरी के लिए मिनिस्टर खुद सिफारिश लेके पहुँच जाते हैं और तुम्हारा तो 400 का जॉब है। भाई मेरे ख्याल में दीपा को ये जॉब मिलने में कोई खास दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। एमए है ही, बस टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सुनो मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। मुझे बता देना चाहिए कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। और फिर दीपा इतनी परेशान होने की क्या बात है? नौकरी मिली तो मिली, ना तो ना, सही मारो गोली। हमें कौन सा जिंदगी भर मर्दों की तरह नौकरी करनी है। पहली बार बंबई आई हो, चलो कहीं घूम फिर ले। बोलो क्या क्या देखोगी? मैं क्या बताऊँ, सुना है यहाँ हैंगिंग गार्डन है, जुहू है, गेटवे ऑफ इंडिया है। हाँ क्यों ना हम गेटवे ऑफ इंडिया चले। चलो संभल कर दीपा, संभल कर, ये लो। अरे अरे मुझे मत पकड़ना, मैं गिर जाऊंगी। बहुत गर्मी है। अरे यार मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। बैठो नवीन, मैं भी कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं दीपा अभी जाना है उस आदमी के पास, तुम्हारे ही काम के लिए। अब आराम से बैठो, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। अरे भाई अभी यहाँ कोई कॉफी वॉफी बनाने की बात कर रहा था, क्या हुआ उसका? लाती हूँ अभी, बैठो ना, मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। आज जाने दो दीपा, किसी को मिलने का टाइम दे रखा है, कल सवेरे 9 बजे आ जाऊंगा। ओके सो लॉन्ग इरा, बाय।
अरे यार मेरे लिए तो कॉफी बनाना, आज मैं बहुत थक गई हूँ। सॉरी दीपा, लेकिन क्या करूं, एक साला गधा दोस्त रास्ते में मिल गया, छोड़ता ही नहीं था। साले ने 9 के 11 बजा दिए। तुम बुरा मत मानना प्लीज। हेलो दीपा भाई, बहुत फ्रेश लग रही हो। ईरा कहाँ है? ईरा के सर में दर्द है, लेटी हुई है। बैठो ना, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो नवीन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ फिर वही दर्द? नवीन डू मी अ फेवर, आज तुम दीपा को घुमा लाओ, तुम्हें तो मेरा सिर दर्द पता है। ओफो, दर्द से फटा जा रहा है। क्या नवीन आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? नहीं नहीं, मैं संजय के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मैं कल मिला था उस आदमी से, कह रहा था विद योर क्वालिफिकेशन ये जॉब तुम्हें मिली जाएगा, सिर्फ 5 ही तो कैंडिडेट्स हैं। भाई दीपा आज मुझे छुट्टी दे दो, तुम्हें तो मेरे सरदर्द के बारे में मालूम है, घंटों लगा रहता है। आज मैं घर पे आराम कर लेती हूँ ताकि शाम की पार्टी में जा सकूँ। तू तो पार्टी पे आ ही रही है। नवीन तुम भी आ रहे हो ना पार्टी पे? हाँ जाना तो पड़ेगा। फिर ठीक है दीपा, तुम नवीन के साथ चली जाना। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें नवीन के साथ जाना ही होगा। और सुनो, आज दोपहर का खाना तुम लोग बाहर ही खा लेना।
चलो दीपा वापस चलते हैं, रात की पार्टी के लिए तुम्हें चेंज भी करना है। किस बात की पार्टी है? अरे दीपा, हम लोग तो बस यूं ही पार्टी देते रहते हैं, सिर्फ एक बहाना चाहिए। अब जैसे किसी के दांत में जरा सा दर्द हुआ, एक एस्प्रो खाकर ठीक हो जाता है, बस इसी खुशी में हो गई एक पार्टी। क्या जरूरी है हम ऐसी पार्टी में जाएं? जरूरी तो नहीं है, लेकिन है भी, शायद जरूरी है। एक्चुअली दीपा, हमारी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कभी कभी ऐसी पार्टियों में बिजनेस भी हो जाता है। हेलो नवीन, हाउस लाइफ? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कई साल बाद मिले। अभी कल रात को ही तो मुलाकात हुई। वाज इट यस्टरडे? यस। अच्छा इनसे मिलो, ये है दीपा। हेलो प्रताप, नागपाल, नीलम। बाबा कितना सुंदर डांस है, शी मस्ट बी फोटोग्राफर। नवीन कल इनको मेरे स्टूडियो क्यों नहीं ले आते? यू मस्ट, ये डांस तो बिनाका के लिए। अरे भाई उन फोटोग्राफ्स का क्या हुआ, एक हफ्ता हो गया। अरे यार कौन से फोटोग्राफ? इरा, डिड यू सी एंटोनियो एंड हीरोस? मैं शायद उन्हें जानती नहीं, लेकिन कल मुझे जगत्यानी मिला था। डैम जगत्यानी, एंटोनियो ने की फिल्म, इट इज सिंपली सुपर। कहानी क्या थी? कहानी हेलो, मीट दीपा, शी इज फ्रॉम दिल्ली। He is Hosi, Neera, Amrit, Patel, and she is Anjali. Hello. As I was saying, play to acha tha, lekin poor Dube. I don't think he understood the horse. Did you say hi with him, Harry? Main to race ko jana chhod diya. These horses are quite beyond me. कैसा लग रहा है यहाँ? पता नहीं, मैं क्या बता। यहाँ तो ऐसा ही है, हमारी पार्टियों में अक्सर यही सब चेहरे नजर आते हैं, वही पुरानी किसी पिटी बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं यही सब बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक कौंसलर की पार्टी में फंस गया था, 15 मिनट बाद ही बोर होके भाग आया। हेलो नवीन डार्लिंग, तुम नहीं आए हमारे बुटीक पर अब तक, क्यों नहीं आए? यू मस्ट कम, एक फिल्म क्यों नहीं बनाते हमारे बुटीक पर? कल आओ और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेते आओ। पता नहीं क्या होगा। अरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है तुम चुन ली जाओगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। क्या ये पहली बार नौकरी की दरखास्त की है? जी हाँ। जी नहीं, मेरा मतलब है ये मेरा पहला इंटरव्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है? जी नहीं। बंबई में कोई रहने की जगह है? जी नहीं। नवीन की जगह भी तो है, क्या वो ये सब मेरे लिए नहीं कर रहा ताकि मैं उसकी होकर रहूं? सब्जेक्ट क्या है? जी मैंने कहा आपके थीसिस का सब्जेक्ट क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचर ऑन ए ग्रोइंग चाइल्ड। What do you mean by influence of the teachers on a growing child?
हेलो चलो तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, अब कल से मैं भी अपने काम पर लगता हूं। बैठो ना, यहां क्यों खड़े हो? दीपा तुम्हारी ये नौकरी तो पक्के ही समझो। पता नहीं, मैंने तो सब उल्टे सीधे जवाब दिए हैं। अरे नहीं दीपा, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये जॉब मिल ही जाएगी। नौकरी अगर मिल भी गई तो नवीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिलेगी। तो चलो इसे खुशी में एक पार्टी वार्टी हो जाए। जरूर, एनी टाइम। आज ही क्यों नहीं, चलो। अरे दीपक, इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और नीला रंग तो मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि अरे इस साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सो सॉरी दीपा, थोड़ी देर हो गई। सीईओ से आखिर मेरी झड़प हो ही गई, फाड़ने जाए साला प्रमोशन। यूनियन की तरफ से मैंने साफ कह दिया कि 5:30 के बाद 10 मिनट भी काम करें तो हमें ओवरटाइम मिलना चाहिए। अगर 10 मिनट लेट आने से हम एब्सेंट गिने जा सकते हैं तो 10 मिनट ज्यादा काम। साड़ी का रंग कैसा? अच्छा है, बैंगनी। तो 10 मिनट ज्यादा काम करने के लिए हमें ओवरटाइम जरूर मिलना चाहिए, यह हमारा हक है। कई बार यूं भी देखा है, ये जुमन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। फूल चुरा के रख मन सजा के, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। न
समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजान चास के पीछे, अनजान आँख के पीछे, मन दौड़ने लगता है। मुझे माफ तो कर दिया ना, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और जो भी कुछ हुआ उसे भूल कर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नबी, मैं भी शायद दिल्ली में मैं क्या करूँ। नबी, कॉफी और आइसक्रीम? टू कॉफी प्लीज एंड गेट द बिल। कुछ कहा तुमने? नहीं तो मुझे पे करने दो नवी, आज मैं लाई हूं तुम्हें यहां। देखो कॉफी कैसी। तो शायद नहीं आता है बेचारा यहाँ। अरे अरे मेरे अंडे जल गए। अब तो तुम यहीं आ जाओगी? हाँ। नौकरी के बाद क्या रहता है? कह दो नवीन, कह दो तुम मुझे अपनाना चाहते हो, मैं पूरा नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ नवीन, पता नहीं। तुम्हारा यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज शाम कहो क्या कह रही थी तुम? नहीं, पहले तुम बताओ क्या कह रहे थे। मुझे मालूम है हमारे टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम कहना चाहते हो। तुम आज ही मुझे अपना समझते हो और मैं यही कह रहा था कि आज शाम को एक फिल्म की शूटिंग करनी है, तुम भी आओ ना, वहां देखना हमारा काम कैसे होता है।
ऐसे कोई खास बात नहीं है। कल तुम्हें दिल्ली भी जाना है, आज तुम्हारा नहीं करो घर पर। नहीं, मैं चलूंगी, देखती हूँ कैसे काम करते हो तुम। दीपा, कुछ दिन और ठहर जाती तो प्रमो से मुलाकात तो हो जाती। उनसे तो फिर बाद में मुलाकात हो जाएगी। लविन को पूरी उम्मीद है ये नौकरी मुझे ही मिल रही है। अच्छा, तो तू फिर जल्दी आ जा। आई एम सॉरी दीपा, मैं तेरा साथ नहीं दे सकी, मुझे बहुत अफसोस है। सब ठीक है हीरा, तुझे अपना काम भी तो देखना है। अच्छा दीपा, तू अब अंदर चली जा। अच्छा हीरा, तूने बहुत किया मेरे लिए। छोड़ यार, मैंने थोड़ी कुछ किया, जो कुछ किया है नवीन ने किया है। अच्छा हीरा, अब तो जा, गाड़ी छूटने तक रुकने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार, नवीन अभी आता ही होगा, उसके साथ चली जाऊंगी। मैंने नवीन से कह दिया ना आने को, क्यों बेकार में, उसे भी कुछ काम था। अच्छा हीरा, अब तो जा, सब ठीक है, मैं डिब्बे में बैठती हूँ। अच्छा यार, बाय। कुछ दिन कैसे मजे में कट गए तेरे। सुन, क्या रात बिस्तर में याद आएगी तेरी। अच्छा बाय बाय। क्यों आए बेकार में? हीरा तो आई थी यहाँ। जगह तो अच्छी मिल गई ना, बनवाने तो नहीं चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। चलो मैं तुम्हारा बिस्तर बिछा लूं। मैं बिछा लूंगी, बिस्तर खोल दिया। कुछ चाहिए क्या? सब कुछ चाहिए नवीन, तुम कह क्यों नहीं देते? मैं पूरे मन से तुम्हारी हूँ। कुछ नहीं। आज वैसे भीड़ कुछ ज्यादा नहीं। चल जाओ दीपा, गाड़ी चलने ही वाली। जाकर पहुंचने की खबर देना दीपा, मैं जैसे ही यहां का पता चलेगा खबर भेज दूंगा।
जो तुम इन 7 दिनों में न कह पाए वो तुम्हारे आज मुझे इस तरह छू लेने की कोशिश ने कह दिया। विश्वास करो, आज अगर तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। आज एक बात मैं अच्छी तरह जान गई, पहला प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। जा सामान लेकर आ नीचे से। कौन लाया? कल संजय साहब आए थे, एक चिट्ठी भी दी है, एक कुछ फूल सोने वाले कमरे में भी है। तुम तो बंबई से 5वें दिन वापस आने वाली थी। मैं आज ऑफिस के काम से कलकत्ते जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं बंबई में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। बहादुर, कोई चिट्ठी तो नहीं आई? जी नहीं। तूने वो चिट्ठी डाल दी थी ना? कौन सी चिट्ठी? एक ही तो चिट्ठी दी थी 3 दिन पहले। हाँ, वो चिट्ठी डाल दी। अच्छा अच्छा
लेटर है हमारा? ये नहीं। कैसी हो दीपा? जब से आई हूँ मिल ही नहीं पाई। ठीक हूँ आंटी, बैठे ना। नहीं दीपा, यहाँ तो मरने तक की भी फुर्सत नहीं है, चलती हूँ अब। हाँ, एक दिन संजय आया था। हाँ, बहादुर ने बताया था मुझे। आप बैठे ना, मैं बहादुर से चाय बनाने को कहती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, सच बहुत काम है। मैं तो तुम्हें एक बार देखने आई थी। अच्छा बंटी बेटे, आप तो आंटी के पास खेलो। दीपा मैं जरा बाजार जा रही हूँ। कहाँ गई थी दीपा आंटी? गई थी किसी से मिलने। तू जाएगा? हाँ। चलो तुम्हारा इंटरव्यू भी हो गया, अब कल से मैं भी अपने काम पर लग जाऊं। साहब टेलीग्राम आया है। तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, बधाई ईरा। चिट्ठी क्यों नहीं दी? ये खबर तो मैं तुमसे सुनना चाहती थी। आंटी, आंटी के पास जाएगा बेटे? हाँ। प्रिय दीपा, तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल इरा को टेलीफोन पर बताया, उसने कहा वो तार दे देगी। कॉलेज से भी एक तो दिन में खबर मिल ही जाएगी। इस कामयाबी के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। सच मैं बहुत खुश हूं तुम्हें ये काम मिल गया। शेष फिर। दीपा, चले गए थे संजय मुझे अकेला छोड़कर। समझा, बंबई की नौकरी नहीं मिली यही ना। अरे गोली मारो तुम्हारी नौकरी को, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें मालूम है दीपा, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मैं अब ऑफिसर हो गया हूँ। रंगनाथन तो बेचारा रह ही गया। कुछ भी कहो, हमारे ऑफिसर सब अच्छे हैं, बिल्कुल जस्ट।
लेकिन हाँ रहना तो यहीं पड़ेगा दिल्ली में। मुझे नहीं जाना बंबई। बस अब हमारे शादी का रास्ता साफ है। अच्छा अब छोड़ो मुझे, ये फूल तो लगा दूँ वहाँ। नहीं रजनी गंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। साजन का हर धड़कन पर माना मैंने अधिकार, ये जब से साजन का हर धड़कन पर।